साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भगवान ने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई नारी, और नारी का जीवन आशाओं से भरा होता है, और आशाएं वो कोई और ही नहीं करता, उनका घर परिवार समाज ही उनसे आशा करता है। एक नारी घर में तो मेहनत करती ही करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं, ऐसे भी रिश्तेदारी होती है कि जहाँ एक रात या एक घंटे के लिए उसे जो है जाना है, तो वहाँ भी पहुँचने के बाद में जब तक वो भंडारा नहीं उलटेंगी, तब तक वहाँ भी उनको भोजन, नाश्ता, चाय पानी नहीं मिल पाता है। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो तपस्या त्याग की जननी जो नारी है, उसे जीवन के पग पग पे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। साथियों, इसी कड़ी में हमारे बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि ऋतु काल आने पर, मेंसेज आने पर, पीरियड आने पर, एमसी आने पर नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करती हैं, और कुछ ऐसी माताएं बहनें हैं जो देखती हैं, फील करती हैं, या कुछ हमारी ऐसी छोटी बहनें हैं कि फर्स्ट मेंसेज जिसे मीनार्की कहते हैं, जब वो आता है तो उस दौरान जैसे तैसे तो समझ में नहीं आता है, बहुत ही दर्द और पीड़ा के साथ में जो है ऋतुकाल बीत जाता है, लेकिन अगले ऋतुकाल में, अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 दिन, 5 दिन या 4 दिन या 3 दिन पहले ही, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, मेंसेज के शुरू होने से पहले, स्टार्ट होने के पहले ही इतना ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, रेडिएटेड पेन होता है, हिप टू हिप पेन होता है, बियरिंग डाउन सेंसेशन, थाई में पेन होता है, और बहुत से ऐसी भी माताएं हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं कि जो कि उंगलियों पर अपने डेट को जो है रखती हैं, और जैसे जैसे उनका दिन नज़दीक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऋतुकाल का, मेंसेज का, एमसी का, वो डर सी जाती हैं, सहम सी जाती हैं, उन्हें चक्कर आ जाता है, घिघी बन जाती है, बेहोश तक हो जाती हैं, इतना ज़्यादा दर्द होता है। इवन बहुत सारे मोहल्ले के लोगों को भी पता चल जाता है कि उनके चीख से, पुकार, दर्द, पीड़ा जो है, कराहट से जो है इस तरीके से वह कराहती हैं कि लोगों को भी पता हो जाता है कि यह बच्ची आज फिर से दर्द से जो है ग्रसित है, पीड़ा से ग्रसित है। मित्रों, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पेन होता है वो प्रसव पेन से भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, टीयरिंग, ग्रीपिंग, कटिंग लाइक पेन होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है दर्द का जो है सामना करना पड़ता है हमारी बहनों को, माताओं को, महिलाओं को। और अगर जो आप ऐसी समस्या से बरसों से पीड़ित हैं और बरसों से आप डॉक्टर बदल रहे हैं, नए नए तरीके की दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, और आपको इस मेंस्ट्रुअल फ्लोस और विद लेबर लाइक पेन, बियरिंग डाउन सेंसेशन पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, कटिंग, ग्रिपिंग, रेडिएटेड पेन, हिप टू हिप पेन पेन हो रहा है, या कॉक्सिस या सैक्रम रीजन में पेन हो रहा है, और आप दर्द से मूर्छित हो जाते हैं, कराहने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, मुंह सूखने लगता है, अगर जो ऐसी टेंडेंसी हो रही है और आप बरसों से डॉक्टर बदल रहे हैं, दवा खा रहे हैं, कोई आराम नहीं है, तो साथियों किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी समस्या का एक साथ समाधान हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है आपका ऋतुकाल, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बीत गया। तो साथियों जानते हैं कि क्या क्या कारण है। दवा बताने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं, इसलिए YouTube पे आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। साथियों वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, मेरा काम है सिर्फ दवाओं से आपको अवगत कराना और आपको यह विश्वास दिलाना कि होम्योपैथी में असाध्य से असाध्य बीमारियों का
बड़ा ही साधारण इलाज है। तो साथियों, वह बहनें जिनको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, सेकंड आया, थर्ड आया है, ये अभी शुरुआत हुए, साल 6 महीना हुए हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर जो उनकी उम्र 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच में है, तो ऐसे बहनों के लिए काउलोफाइलम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। या हर तरीके के दर्द के लिए, अगर जो स्पेशली रिलेटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिफोर और आफ्टर मेंसेज और आफ्टर मेंसेज बेबी गर्ल सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोरिया और लिटिल गर्ल आल्सो सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोरिया, देयर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी, दैट्स काउलोफाइलम। दिस इज वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड पे। अगर जो आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, फाल्स पेन होता है, बार बार बेयरिंग डाउन सेंसेशन पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तो ऐसे कंडीशंस में साथियों सिमसी फ्यूगा, जी हाँ दोस्तों, सिमसी फ्यूगा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो दर्द इतना भयानक होता है कि आपको चक्कर आने लगता है, मुंह सूखने लगता है, आप बेहोश हो जाते हैं, वीकनेस लगता है, तो ऐसे कंडीशंस में बिबरनम आपुलस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है। अगर जो मेंसेज ओनली फॉर ए डे, सिंगल टाइम आ रहा है, उसके बाद जो है चला जा रहा है, लेकिन दर्द बना हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में साथियों पल्सेटिला बड़ा अच्छा काम करता, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर जो इन दवाइयों का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श में किया जाए, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मोस्टली जो है इस तरीके का दर्द मीनार्की में देखने को मिलता है, पीसीओडी के पेशेंट में देखने को मिलता है, पीआईडी के पेशेंट में देखने को मिलता है, और अगर जो किसी को ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड यूट्रस है तो भी इस तरीके का दर्द है। तो साथियों जब भी आपको इस तरीके का जो है दर्द हो, तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई बड़ा कारण है इसी की वजह से हो रहा है। मोस्टली महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ऐसी समस्याएं होती हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप स्वयं के विवेकानुसार डॉक्टर ना बने, मेडिकल स्टोर से गोलियों को खरीद करके खाना बंद करें। अगर जो आपको कोई टैबलेट ही खाना है, तो किसी रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, और अगर जो आपको होम्योपैथ में दवा करना है, तो अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या हो, तो प्लीज़ ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप जो है हमें भेज सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं आपको परामर्श देने योग्य हूं, तो आप हमसे डायरेक्ट इस फ़ोन नंबर पर हर दिन दोपहर 1 से 2 के बीच में बात कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान दें, और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जिन जिन को भी बियरिंग डाउन सेंसेशन पेन हो रहा है या मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड पेन हो रहा है, तो उनका आहार, उनका डाइट पूर्णतया गड़बड़ है। इसलिए जितना वजन है उसको तौलिए। यदि वजन आपका 50 किलो है, तो गुड़े 10 करिए, 500 ग्राम आपको सलाद खाना है, और 500 ग्राम आपको सुबह सुबह में फल और दोपहर भोजन से पहले सलाद खाना है। पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, ये सब बंद कर दीजिए। इससे दर्द आपका और बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।